क्या जैकेट जैकेट लगी हुई है ना। शॉट सर शॉट या तो किसी काम काज में इन्वॉल्व होइए या तो स्पोर्ट्स के माध्यम बनाइए। और आज के टाइम में गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसमें काफी स्पोर्ट्स को हम तवज्जो दे रहे हैं काफी प्रमोट कर रहे हैं। तो आज आप देखेंगे यहाँ से पुंछ से ही काफी अफरीदी साहब के अंडर में काफी प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ से प्रमोट होके आईपीएल खेल रहे हैं, कबड्डी के टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, वॉलीबॉल के इंटरनेशनल नेशनल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स को एक रोजी रोटी का जरिया नहीं बनाया जा सकता है, बिल्कुल है, और बहुत ही अच्छा जरिया है ये। और इसमें आपकी फिजिकल फिटनेस भी है, आप नशे से भी दूर रहेंगे, प्लस आप और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं ये सारे आए हुए, सबको शुक्रिया कि हमें आप लोगों ने बुलाया। ये सारा क्रेडिट जो है ये सारा सरफराज साहब का है, हमें ये सिर्फ अपने साथ जोड़ रहे हैं और हम जुड़े हुए हैं। जब यूथ की बात है तो हम साथ हैं, भाई साहब साथ हैं, हम भी साथ हैं सारे, ठीक है। तो आप जवान हैं, हम भी आज अगर यहाँ पे SHO हैं या आर्मी में साथ हमारे बड़े भाई जो हैं यहाँ पर हैं, तो हम भी आप में से निकल के आए, हम कोई बाहर से कोई वहीं से नहीं, हम भी रूरल एरिया से थे। मैं अपनी बात करूं कि मैं खुद एक रूरल एरिया से हूं, तो आप लोगों की तरह बचपन में क्रिकेट खेला सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई लिखाई की, तो खेलना जरूरी है, फिजिकली फिटनेस बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस है, पढ़ाई है, सारा कुछ करो, एंजॉय करो, माँ बाप की सेवा करो, खूब खेलो, टेंशन फ्री रहो, नशा वशा को भूल जाओ, कोई दुनिया में कोई चीज़ होती है, ठीक है। जिस चीज को हम ज्यादा बोलेंगे फिर हम उस चीज को ज्यादा अपने में ले लेते हैं, इसलिए इस चीज के बारे में ज्यादा बोलना ही नहीं। क्या है जी, हमें पता ही नहीं, अपने घर में गए तो अच्छा दूध पियो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, खेलो, माँ बाप की सेवा करो, उसके साथ साथ मेहनत और लगन से जिस काम को करोगे कहीं पीछे नहीं रहोगे। फिजिकली फिट हो, एक रास्ता पकड़ लिया, उसमें आज ऐसा दौर है कि खेलो इंडिया में जो लड़का एक गेम को पकड़ लेता है उसी में से वो अच्छे अच्छे और पर मंथली गवर्नमेंट जो है वो पैसे दे रही है, फैमिली को कर रही है, तो इसलिए मेहनत लगन से जो है हर चीज को पाना संभव है, ठीक है। मैं इतना ही हूँ, हमारी तरफ से सरफराज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने ये जो सर सैयद एजुकेशन मिशन की तरफ से प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ जेएंडके रिलीज हमारा भी थोड़ा सा बीच में योगदान होगा कि चलो हमारा भी थोड़ा सा जुड़ जाए, है ना। तो हम इनके साथ जुड़ गए, हमें भी मौका मिल गया यूथ के साथ खेलने का। तो भाई हमारी तरफ से यही पैगाम है कि हम आपके साथ हैं, जेएंडके पुलिस आपके साथ है, हमारी तरफ से कोई भी हेल्प किसी भी किस्म की कोई मदद हो लीगल तो उसमें हम आपके साथ, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, ये भी उसी का मिशन है, तो हम सबका भी मिशन यही है कि नशा मुक्त हमने अपनी सोसाइटी से खत्म करना है, तो ठीक है जी। इसलिए खूब खेलो, खूब पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो और एंजॉय करो अपनी लाइफ को, और अपने बड़े भाई हैं इनके साथ मिलो, कोई परेशानी आ जाए कुछ भी हो हमसे मिलो, तो हमारे मेजर साहब हैं इनके पास जाओ, टाइम ले लिया सर से, कब फ्री हो तो उस टाइम पे साहब के साथ मिल लिया, हमें कॉल कर लिया, सरफराज भाई प्रोफेसर साहब हैं, कब पढ़ कैसे पढ़ा, कैसे आपने आगे पढ़ा, फिर आगे हमें कैसे आगे आना चाहिए कुछ उसे सीखना है, ठीक है जी। हमारी तरफ से यही है, बाकी ये ट्रॉफीज वगैरह की आप लोगों ने दोनों तीनों दो टीम को आज तो फाइनल। जैसा कि आज हमारा जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था उसका आज कंक्लूड हुआ है, और आज दो टीमें जो जिन्होंने यहाँ खेला है जिसमें एक अली क्रिकेट क्लब चक्रो और लोन क्रिकेट क्लब सेड़ी ख्वाजा थी,
जिसमें चक्तरों ने जीत हासिल कर ली है। जहाँ तक इस टूर्नामेंट के हवाले से बात है कि सर सैयद एजुकेशन मिशन ने आज से कोई 20 दिन पहले ये टूर्नामेंट शुरू करवाया था, विलेज लेवल टूर्नामेंट जो कैनू में हुआ और कैनू की KPL करके इसको नाम दिया गया था, और जिसमें 32 टीम्स ने इसमें पार्ट प्ले किया था, और जिसमें लास्ट आज हमारा फाइनल कंक्लूड मैच था, जिसमें आज हमारे बीच में मेजर भानु प्रताप जी और उनके साथ अयाज भट्ट BDO लसाना और उनके साथ SHO मंडी मुख्तार अली जी और यहाँ के जो ASI चौकी ऑफिसर थे, और इन सब के साथ हमारे यहाँ के जो कैनू कलानी के सरपंच हैं खालिद खान साहब, आफ्ताब साहब, ये सारे लोग मौजूद थे। सर सैयद एजुकेशन मिशन ने सिर्फ एजुकेशन का ही नहीं, बल्कि चाहे वो ड्रग्स के अगेंस्ट काम करना हो, चाहे यह अदर एजुकेशन पे काम करना हो, इन सब में उन्होंने पार्ट प्ले किया है। और आज हमारा ये एक नशा मुक्त भारत पे जो ये T20 क्रिकेट टूर्नामेंट था वो आज ख़त्म हुआ है, और इसमें अपनी टीम को, ऑर्गेनाइजर्स को और सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा।